ईसी जी आप बता रही है, मैं थोड़ा उन ईसी जी का डेटा और बता देता हूं, थोड़ी डेटा चर्निंग कर देता हूं। आई लव डेटा बिकॉज डेटा में आपकी रियल पिक्चर सामने आती है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश बहुत चौंका रहा है, तमाम एग्जिट पोल्स तो फेल हुए हैं, तमाम जो धुरंधर थे जो एग्जिट यूपी में एक तरफा लहर बता रहे थे वो ये डेटा देख लीजिए बिल्कुल अलग बता रहा है। आप उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, आप वोट परसेंटेज देखिए ऑलमोस्ट बराबर आ गया है, एनडीए 42% पे है, इंडिया भी 42% पे है, अदर्स 15% पे है। ये पूरी पाई चार्ट देखिए, ये कलर ऑलमोस्ट बराबर है, आपको दिखेगा ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छा इलेक्शन वहां पर लड़ा, ये तो मैंने ग्राउंड पे देखा भी है। अब गुजरात आइए, गुजरात में एक तरफा बताया जा रहा था कि गुजरात में 26 की 26 सीटें बीजेपी फिर से हासिल करेगी, लेकिन वोट शेयर कह रहा है कि अभी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। एनडीए 62, हालांकि एनडीए काफी आगे चल रहा है, एनडीए में भी बीजेपी सबसे आगे 62% वोट शेयर, इंडिया की बात करें तो करीब 34% के आसपास, अदर्स 4% के आसपास। ये उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद अब बिहार आ जाइए। बिहार ये देखिए 80, 40, 120 और 26 लगभग 150 सीटों का वोट परसेंटेज में आपको दिखा रहा हूं। बिहार में 40 में देखिए एनडीए 42.88 लगभग 44%, इंडिया लगभग 37%, अदर्स बहुत ज्यादा वोट लेके जा रहे हैं। अब यह देखना होगा कि इसमें कौन कौन सी पार्टियां हैं क्या है, लेकिन ये वोट शेयर आप ये पाई चार्ट देखेंगे तो बड़ा चंग तो बीजेपी या एनडीए के पास है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में पुरानी पिक्चर नहीं दिख रही क्योंकि यहां 39 सीटें एनडीए के पास थी। एक और जानकारी आपको देते हैं, एक और अहम जानकारी ये आपके सामने आ गए, वो तमाम पार्टियों के सिंबल्स, उनके नाम जो अब बिल्कुल पिक्चर चेंज करने में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखिए अभी तक के रुझान देखिए, बीजेपी अकेले 303 थी, 303, इस बार बीजेपी अपने दम पर रुझानों में फिलहाल बहुमत भी पार करती नहीं दिख रही है और 245 उसको अभी तक दिख रहे हैं रुझानों में। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि 3 डिजिट में अभी नहीं पहुंचे हैं, 52 पिछली बार थी, 87 पर कांग्रेस रुझानों में पहुंचती दिख रही है। टीएमसी बढ़त बना रही है, पिछली बार 22 थी, इस बार 24 दिख रही रुझानों में। समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो, क्योंकि पिछली बार 5 सीटों पर इनको जीत मिली थी, इस बार कहीं आगे 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। अगर केवल 38 पर समाजवादी गई कांग्रेस को मिलाएंगे तो शायद इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल जाए यूपी में। बीएसपी आइए, ये बहुत चौंका रहा है और ये चौंकाने से ज़्यादा ये चिंता जाहिर कर रहा है कि क्या बीएसपी अब मायावती की राजनीति पर कोई क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि पिछली बार 10 सीटें थी, इस बार 0। आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर बढ़त हासिल की है, 1 से 4 पर जा रहे हैं। जेडीयू का प्रदर्शन निराशाजनक दिखता है रुझानों में, 16 से सीधे 4 पर आकर गिर रहे हैं। आरजेडी 0 से 7 पर आ रही है। आप देखिए जगनमोहन 12 पर आ रहे हैं, जगनमोहन को डेंट हुआ है, विधानसभा चुनावों में इसका क्या असर होगा देखना होगा, लेकिन 22 से 12 पर आ रहे हैं। टीडीपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 3 से सीधे 24 पर आते हुए, इसके अलावा डीएमके देखिए ऑलमोस्ट अपनी जमीन होल्ड करते हुए 23 से 24 पर है, 1 सीट का फायदा रुझानों में। बीजेडी को काफी फायदा हुआ है, 12 से 24 सीटों पर रुझानों में बीजेडी दिख रही है। अब ये समझिए, ये पूरा इलेक्शन ना तो 400 पार जा रहा है और ना एक तरफा जा रहा है, ये तो आप देख लीजिए। लेकिन ऊपर देखिए, ऊपर अभी आपके सामने और टैली आएगी, आपको ऊपर जो मेन टैली दिख रही है उसके बाद ये डिस्प्ले बोर्ड आपके सामने, एनडीए 293 से 295 के बीच, इंडिया 208 और अदर्स 40 से 42 है। ये देखिए एनडीए 295 आपके सामने और इसके बाद 208 पर इंडिया और अदर्स 40 पर। ये आपको इस समय हम एआई के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि क्या है इस वक्त आंकड़े, क्या कहते हैं आंकड़े, ये आप समझिए। और इसके बावजूद ये जो डेटा है ये अभी फाइनल नहीं है, अभी इसमें चेंजेस होंगे, अभी ईवीएम से काउंटिंग चल रही है। लेकिन जरा बड़े चेहरे देख लीजिए एक बार, जरा इन चेहरों को देखिए, बहुत ज्यादा दिलचस्प है ये। अभिषेक बनर्जी का अभी रुझान आना बाकी है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी पीछे, पीयूष गोयल आगे, नितिन गडकरी आगे, नरेंद्र मोदी आगे, शिवराज सिंह चौहान आगे, डिंपल यादव आगे समाजवादी पार्टी मैनपुरी से, नकुलनाथ पीछे छिंदवाड़ा से, अरुण गोविल मेरठ से पीछे, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से पीछे, अखिलेश यादव कन्नौज से आगे, राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों से आगे, राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे, उमर अब्दुल्ला बारामूला से पीछे चल रहे हैं, सज्जाद लोन आगे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही हैं, महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से पीछे चल रही हैं, माधवी लता हैदराबाद से पीछे, असदुद्दीन ओवैसी आगे, विक्रमादित्य सिंह आगे हुए थे लेकिन फिर पीछे हो गए हैं, और कंगना रनौत मंडी से आगे, के अन्नामलाई पीछे हो गए हैं कोयम्बटूर से। हालांकि केरल और
तमिलनाडु से एनडीए के लिए, खासकर बीजेपी के लिए काफी सुखद खबरें आई शुरुआत में। अभी नंबर जैसे जैसे सेटल होंगे इनको और अच्छे से देखेंगे, लेकिन एक बार आप डेटा और जानने के लिए सीधे चलते हैं डेटा मुशाय के पास। ओवर टू यू समीर। बिल्कुल, डेटा मुशाय हमारे साथ मौजूद है गौरव, और उनके पास बहुत दिलचस्प एनालिसिस है जो इस वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन उस पर हम जाएं। उससे पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग। ओडिशा में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा आगे। तो ओडिशा में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी आगे चल रही है। ओडिशा विधानसभा में भी बीजेपी आगे, विधानसभा का ये जो देखिए सीटों का समीकरण आपके सामने, बीजेपी 34, बीजेडी 20, ये ओडिशा में बड़ा उलटफेर होता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी 17, बीजेडी 1, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट बता रही है। और चुनाव आयोग का ही हम जिक्र कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इस वक्त क्या आंकड़े नजर आ रहे हैं पार्थो? देखिए, इलेक्शन कमीशन 475 सीट्स का प्रिंट दे चुका है, 475। ये देखिए, अभी 475 में सीट टैली में देखेंगे, बीजेपी 218 सीट में, ये जो नंबर है मैं फोकस करने को बोल रहा हूं, ये नंबर तो 475 में 218 ये सीटों में आ गया। तो 475 का आधा अगर करेंगे तो आप समझ लीजिए 200 और 237 होना चाहिए। तो जो स्ट्राइक रेट 50% होना चाहिए, सिंगल मेजोरिटी में गवर्नमेंट होना चाहिए, उससे कम स्ट्राइक रेट में बीजेपी चल रहा है। नहीं तो ये क्या बता रहा है, 2019 वाली परफॉर्मेंस दोहरा सकती है बीजेपी या फिर उससे पीछे रह सकती है? ये स्ट्राइक रेट में उससे पीछे जा रहा है, उससे पीछे जा रहा है, मतलब 273 से थोड़ा सा पीछे आ रहा है। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 81, तो 475 में अभी 81 में आ गया है, तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुआ। समाजवादी पार्टी देखिए 28 सीट्स में आ गए, अभी तृणमूल कांग्रेस 18 में आ गया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है समाजवादी पार्टी के लिए, 28 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ गए, तृणमूल कांग्रेस 18 सीटों पर। अभी टीडीपी बहुत अच्छा कर रहा है आंध्र प्रदेश में, तो ये नंबर इंडिया में चला जाएगा। बिल्कुल, डीएमके देखिए बहुत अच्छा कर रहा है, इधर जेडीयू अच्छा कर रहा है, अभी उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ। ठीक है सर, शिवसेना का मुकाबला जो देखिए उधर इस महाराष्ट्र के इलेक्शन हम लोग जाएंगे, इंटरेस्टिंग जो है पार्टी तो दो बार में टूट गया, वोटर किसके पास रह गया? हाँ। तो ये उद्धव शिवसेना का और वोटर इनके साथ, उद्धव ठाकरे के साथ है, ये शिंदे के साथ है। बिल्कुल।